आप सभी ने जानते ही होंगे कि आज सबसे सुंदर और आमिर शहरों में से एक दुबई एक अभी रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन यहाँ तेल की खोज होने के बाद दुबई दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। एक कहावत है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और देखिए ये कहावत बिल्कुल सही साबित होते हैं दुबई के शेखों के ऊपर। पैसा तो इनके पास इतने सारे होते हैं कि इन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है कि वो उनकी बेसुमार दौलत को कहाँ खर्च करे, और यहीं से शुरू होते हैं इनकी आयासी। आयासी भी ऐसे वैसे नहीं, ये लोग इस तरह से पैसे खर्च करते हैं जिसके वजह से दुनिया भर में बांटते हैं खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को और दिखाते हैं आपको दुबई के शेख कितने शौकीन होते हैं। दोस्तों, पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है। अब दुबई के शेखों को ही देख लीजिए, गाड़ी से लेकर मोबाइल तक सोने का बना होता है, यहाँ के टॉयलेट सीट तक सोने का बना दिया जाता है। दुबई के हर शेख अपना रुतबा दिखाना चाहता है, वही के मैं कितना अमीर हूँ, कितना रेज हूँ। अब चाहे वो रुतबा उन्हें गाड़ियों के जरिए दिखाना हो, बिल्डिंग के जरिए, या फिर गाड़ी में लिखे हुए नंबर्स के जरिए। आप अगर अपने गाड़ी के लिए VIP नंबर्स चाहते हैं ना, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे कम से कम करोड़ों रुपए। यहाँ तो VIP नंबर्स प्लेट के लिए बोली लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं भाई बोली लगाने के लिए। एक बार एक शेख ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे VIP नंबर्स प्लेट लगाने के लिए। वो चाहते थे हमेशा नंबर्स 1 पर रहना, और इसलिए उन्होंने इतने सारे पैसा खर्च कर दिए थे। दुबई के शेखों ने बाजों के इतने शौकीन होते हैं कि ये लोग बाजों को हमेशा अपना साथ रखता है। एक बार एक शेख दूसरे देश की यात्रा के लिए जा रहे थे, और वो अपने साथ 80 बाजों को यात्रा पर ले गए, और उन बाजों के लिए फ्लाइट में अलग अलग स्पेशल सीट भी बुक कराई थी। दुबई में सैकड़ों ऐसे ATM हैं जिससे आप ATM कार्ड से पैसों के साथ साथ सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के भी निकाल सकते हैं। फिल्म स्टार से मिलना हम सबका सपना होता है, पर हम में से ऐसे कई लोग होते हैं कि इन सुपरस्टारों से मिलना तो दूर, कभी लाइव देख भी नहीं पाते। पर शेखों के केस में उल्टा है। अगर किसी शेखों को किसी सुपरस्टार से मिलना हो तो वो सुपरस्टारों से मिलने नहीं जाते, सुपरस्टारों को मुंहमांगी कीमत देकर अपने घर में बुलाते हैं। एक बार दुबई के प्रिंस ने फ्रांस के एक महिला सुपरस्टार से मिलने के लिए एक करीबन 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये लोग बॉलीवुड के स्टार्स को भी बहुत पसंद करते हैं, और बॉलीवुड के फीमेल स्टार्स के साथ भी टाइम स्पेंड करने इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है ना, पैसा सब कुछ खरीद लेता है। मोहम्मद बिन सलमान ये दुबई का सबसे युवा प्रिंस माना जाता है। इनके लाइफस्टाइल बेहद ज्यादा रंगीन और लग्जरियस माना जाता है, और ये वही इंसान है जिसने केवल एक रात के लिए किम कार्दाशियन को 7 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। और ये था दुबई के शेखों के कुछ अजीबोगरीब शौक। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल ब्लैक साइड स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटी को दबाएं। थैंक यू।